एक हरे भरे जंगल में आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चमेली की महकती हुई बेलों के बीच रहता था एक नेक दिल भालू, जिसका नाम था बालू। बालू एक शांत स्वभाव का विशालकाय भालू था, जो शहद से प्यार करता था और अपने दोस्ताना स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह अपना दिन जंगल में घूमने, जामुन इकट्ठा करने और गर्म धूप में लेटने में बिताता था। बालू का दिल जंगल जितना बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। दूसरे जानवर उसकी ताकत की प्रशंसा करते थे और अक्सर उससे मदद मांगते थे। बालू एक सच्चा दोस्त था, हमेशा मुस्कुराता हुआ और गर्मजोशी से गले लगाने वाला। एक धूप वाली दोपहर जब बालू जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। वह रुक गया, उसके कान खड़े हो गए और उसने ध्यान से सुना। वह आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी जोर से, परेशानी की आवाज। बालू अपने बड़े दिल वाला मदद की पुकार को अनसुना नहीं कर सका। वह आवाज का पीछा करता रहा। लंबी लंबी घास और महकती हुई झाड़ियों से गुजरता हुआ वह आवाज का स्रोत खोजने के लिए दृढ़ था। ऊपर एक चमकीले हरे केले के पत्ते पर चुलबुली नाम की एक छोटी सी छिपकली बैठी थी। चुलबुली अपनी तेज बुद्धि और चालाक उपायों के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। उसकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं बचता था और उसका दिमाग हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। वह छोटी थी लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। चुलबुली कभी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरती थी। वह बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करती थी। उसका मानना था कि हर समस्या का हल होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो। हालांकि आज चुलबुली खुद को मुश्किल में पा रही थी। वह एक रसीले टिड्डे का पीछा कर रही थी। उसकी जीभ उसे पकड़ने के लिए बाहर निकल रही थी, तभी वह फिसल गई और एक गहरे संकरे गड्ढे में गिर गई। चुलबुली ने बाहर निकलने की कोशिश की। उसके छोटे छोटे पंजे चिकनी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। वह फंस गई थी। तभी उसने मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। उम्मीद थी कि कोई उसकी गुहार सुनेगा। बालू चुलबुली की चीख की आवाज का पीछा करता रहा, जब तक कि वह एक खुली जगह पर नहीं पहुंच गया। सफाई के बीचों बीच एक गहरा संकरा गड्ढा था। बालू ने गड्ढे में झांका और चुलबुली को नीचे देखा, जो बड़ी बड़ी चिंतित आंखों से उसे देख रही थी। बचाओ, मैं फंस गई हूँ, चुलबुली रोई। बालू जानता था कि उसे मदद करनी है, लेकिन गड्ढा इतना संकरा था कि वह उसमें नहीं चढ़ सकता था। उसने अपने पंजे से नीचे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह चुलबुली तक नहीं पहुंच सका। अचानक उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, पेड़ों पर पत्तियां घबराहट से सरसराहट करने लगी और पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो हर पल तेज होती जा रही थी। बालू और चुलबुली ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। वे दोनों जानते थे कि गड़गड़ाहट का क्या मतलब है। पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे। उन्हें चुलबुली को गड्ढे से बाहर निकालना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जमीन हिंसक रूप से हिल गई, क्योंकि पहाड़ी से पत्थर लुढ़कने लगे, पेड़ों से टकराते हुए धूल के बादल उठने लगे। बालू जानता था कि वे खतरे में हैं। पत्थरों की बारिश सीधे उस गड्ढे की ओर बढ़ रही थी, जहां चुलबुली फंसी हुई थी। चुलबुली, बालू चिल्लाया। उसकी आवाज गिरते पत्थरों की आवाज से दब गई। मुझे तुम्हें वहां से निकालना है, मुझे डर लग रहा है बालू, चुलबुली रोई। उसकी आवाज कांप रही थी। गड्ढा बहुत गहरा है, मैं बाहर नहीं निकल सकती। समय समाप्त हो रहा था। बालू को जल्दी सोचना पड़ा। वह अपने दोस्त को निराश नहीं कर सकता था। उसने बेतहाशा इलाके को देखा, कुछ खोज रहा था, कुछ भी जो उसे चुलबुली को बचाने में मदद कर सके। बालू की नजर पास के बरगद के पेड़ से लटकी एक मोटी मजबूत बेल पर पड़ी। बरगद का पेड़ अपनी मजबूती और लचीलापन के लिए जाना जाता था। इसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थीं। बालू जानता था कि यह बेल उसके वजन को संभालने के लिए काफी मजबूत होगी। उम्मीद की किरण के साथ बालू ने अपने शक्तिशाली जबड़ों से बेल को पकड़ लिया और उसकी ताकत का परीक्षण किया। वह मजबूती से टिकी रही। फिर उसने बेल को अपने चौड़े कंधों के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसके फर के खिलाफ खुरदरी बनावट को महसूस किया। चुलबुली, चिंता मत करो, बालू ने भयभीत छिपकली को नीचे बुलाया। मेरे पास एक योजना है। एक गहरी सांस लेते हुए बालू धीरे धीरे खुद को गड्ढे में नीचे उतारने लगा। उसके मजबूत पैर किनारों पर टिके हुए थे। चुलबुली ने चौड़ी आंखों से देखा जैसे ही बालू गड्ढे में उतरा। वह उसकी बहादुरी के लिए आभारी थी, लेकिन वह अभी भी डर रही थी। पत्थरों के गिरने की आवाज तेज होती जा रही थी।
और हवा धूल से भर गई थी। बालू जल्दी करो, चुलबुली रोई। गिरते पत्थरों की आवाज से उसकी आवाज दब गई। पहाड़ी खिसकना करीब आ रहा है। चुलबुली जानती थी कि उसे अपनी भूमिका निभानी होगी। वह बालू के उसे बचाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे उसकी मदद करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ा। गड्ढे के नीचे इधर उधर देखते हुए चुलबुली ने ढीली मिट्टी के एक छोटे से टीले को देखा। उसके तेज दिमाग में एक विचार कौंधा। वह तेजी से टीले की ओर दौड़ी और जोर जोर से खोदने लगी। उसके नन्हे पंजे आश्चर्यजनक गति और ताकत से काम कर रहे थे। जैसे ही बालू गड्ढे के नीचे पहुंचा, उसे राहत की लहर दौड़ गई। वह समय पर पहुंच गया था। उसने चुलबुली को उठाने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह वहां नहीं थी। चुलबुली, तुम कहां हो? बालू चिल्लाया। उसकी आवाज सीमित जगह में गूंज उठी। यहां पर, बालू! चुलबुली की आवाज उसके पीछे से आई। मैंने एक सुरंग खोदी है। बालू ने मुड़कर देखा कि गड्ढे की दीवार में एक छोटा सा छेद है। चुलबुली ने रेंगने के लिए बस इतनी बड़ी सुरंग खोदी थी कि वह उसमें से निकल सके। बिना किसी हिचकिचाहट के बालू सुरंग से होते हुए चुलबुली का पीछा करता रहा। जैसे ही पहाड़ी से पत्थरों का सैलाब गड्ढे के प्रवेश द्वार से गिरा, वे धूप में निकल आए। वे सुरक्षित थे। बालू और चुलबुली एक पल के लिए जमीन पर लेट गए, अपनी सांसें थामी और धूप की गर्मी को अपने ऊपर बहने दिया। उनका सामना एक खतरनाक स्थिति से हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे एक साथ मिलकर पार कर लिया था। चुलबुली, तुम कमाल की थीं, बालू ने कहा। उसकी आवाज प्रशंसा से भर गई। तुमने अपनी त्वरित सोच से हमारी जान बचाई। हमने एक दूसरे को बचाया बालू, चुलबुली ने उत्तर दिया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। तुम मेरे पीछे उस गड्ढे में आने के लिए बहुत बहादुर थे। मुझे पता था कि मैं तुम्हारी ताकत पर भरोसा कर सकती हूँ। जैसे ही वे जंगल से वापस अपने रास्ते पर चल पड़े, बालू और चुलबुली ने दिन की घटनाओं पर विचार किया। उन्होंने सीखा था कि भले ही वे अलग थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत जब एक साथ मिल जाती है तो उन्हें एक अजय टीम बना देती है। बालू मजबूत और साहसी भालू और चुलबुली चालाक और साधन संपन्न छिपकली सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक कि सबसे छोटा प्राणी भी अविश्वसनीय रूप से बहादुर हो सकता है, और यह कि थोड़ी सी चतुराई और बहुत सारी टीम वर्क से सबसे बड़ी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। और इसलिए मिलनसार भालू और चालाक छिपकली की कहानी हरे भरे जंगल में गूंज उठी, जो दोस्ती, साहस और त्वरित सोच की शक्ति का प्रमाण थी। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि खतरे की स्थिति में भी हमेशा आशा होती है, खासकर जब हम एक साथ काम करते हैं और खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं।